अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ हफ्सा नूर, आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। तो आज लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में जो आप रेसिपी देखने जा रहे हैं, दिस इज़ गोभी गोश्त कॉलीफ्लावर चिकन कॉलीफ्लावर। तो चले इस रेसिपी को आपके तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा इसके तमाम तर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसके साथ साथ मेरे पास जो यहाँ पर चीज़ें हैं, कॉलीफ्लावर ले लिए थे 2 से 3 गोभी के फूल, और साथ में चिकन है मेरे पास 1/2 किलो के करीब, जो कि विद बोन्स है, बोनलेस चिकन नहीं है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं प्याज है। तो फ्रेंड्स, अब जो जो प्रोसीजर मैं करती जाऊंगी, इसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। और मैं, क्योंकि ये छोटी सी रेसिपी है, और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। सो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात बहुत ही अच्छी एक मॉरल लेसन स्टोरी है, इसको एंड तक सुनिएगा, आई होप यू विल इन्जॉय इट। तो फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत अच्छा लेसन भी मिलने वाला है। सो इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एक मरतबा एक चिड़िया थी जो कि अपने मामूल के मुताबिक उड़ते उड़ते एक जगह आकर ज़मीन पर बैठ गई। मामूल के मुताबिक एक शिकारी, एक हंटर जो कि शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया था, उसने उस चिड़िया को देखा तो कहने लगा कि इसका शिकार कर लेता हूँ, ये तो बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। लिहाजा उसने जाकर जाल बिछाया और चिड़िया जाल में आ गई। अब जब जाल में आ गई तो ना वो चीखी ना चिल्लाई, अब उसकी विजडम का अंदाज़ा लगाइएगा कि उसने अब बहुत ही समझदारी और अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और उसने शोर नहीं मचाया बल्कि उसने शिकारी से कहा कि ए शिकारी, ए हंटर, तुम्हें मेरा शिकार करके क्या मिलेगा, मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे अगर तुम मुझे ज़िबा भी करोगे तो कुछ ख़ास कोश तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, लिहाजा मुझे छोड़ दो। और दूसरी मर्तबा उसने ये कहा कि मेरे कि कभी भी किसी बात पे फौरन यकीन मत करना, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे पेट में एक 10 दिरहम का जो था वो हीरा था, बहुत कीमती हीरा था, जबकि मेरी कीमत तो बहुत कम है, लेकिन वो 10 दिरहम का जो हीरा था वो मेरे पेट में था, और अगर तुम मेरा शिकार कर लेते तो तुम्हें वो हीरा भी मिल जाता, लिहाजा तुम मेरी बातों में आ गए और तुमने मेरा शिकार नहीं किया, और अब वो हीरा तुम्हारे हाथ से निकल गया। तो वो ऊंची ऊंची रोने लगा, शिकारी ऊंची ऊंची रोने लगा और कहने लगा, या खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। तो इस पे वो कहने लगी, ओ खुदा के बंदे, तुमने मेरी अभी पहली नसीहत पे अमल नहीं किया तो तुम मेरी दूसरी या तीसरी नसीहत पे अमल क्या करोगे। मैंने तुमसे पहली नसीहत ये की थी कि कभी भी किसी भी नामुमकिन बात पे यकीन मत करना, तो जो अभी मैंने तुम्हें बात की वो नामुमकिन ही तो है। मैं तो खुद इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे अंदर इतना बड़ा हीरा कैसे समा सकता है। और दूसरी, तीसरी नसीहत उसने बोला कि मुझे तीसरी नसीहत भी करो, तो वो कहने लगी, तुमने मेरी ना पहली मानी ना दूसरी मानी, तो मैं तुम्हें तीसरी क्यों करूं। तो लिहाजा वो उड़ गई वहां से और वहां से चली गई।
तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से जो लेसन मिलता है वो ये है कि कभी भी एक तो लालच में आके कभी कुछ मत कीजिए, और दूसरा ये कि एक सुनी सुनाई बात पे अमल मत कीजिए, और तीसरा ये कि जब एक नामुमकिन चीज़ नज़र आ रही हो और आपसे कोई नामुमकिन बात कह रहा हो तो उस पे अमल करने से पहले थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहिरा कर लीजिए। और चिड़िया वाली बात से हमें इस चीज़ का लेसन मिलता है कि जब भी आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसें तो उस मुश्किल मुसीबत को मत देखें, बल्कि अपनी विजडम, अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा कीजिए, और अक्लमंदी का मुजाहिरा करके उस मुश्किल से निकलने का कोई हल सोचिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अच्छी बात, होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। इसके साथ साथ गोभी गोश्त की कड़ी जो है वो यहाँ पर रेडी है। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ हासिल होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़।